कहानी खिलौनों की सभा। सांवरी और मनु बस्ता मेज पर रखते हैं। सांवरी, माँ बहुत भूख लगी है। माँ, खाना तैयार है, जल्दी से कपड़े बदलकर हाथ मुंह धो लो। सांवरी, अरे वाह, राजमा चावल, मेरा मनपसंद खाना। मनु और सांवरी खाना खाकर बर्तन रसोई में रखते हैं। मनु तब तक मेज साफ कर देता है। फिर दोनों गृह कार्य करने बैठ जाते हैं। कमरे के कोने में खिलौनों की पिटारी रखी है। थोड़ी थोड़ी देर में खिलौने पिटारी से मुंह बाहर निकालकर झांकते हैं। गुड़िया, अब सांवरी और मनु हमारे साथ खेलेंगे। गृह कार्य पूरा करके दोनों कंप्यूटर पर खेलने लगते हैं और रात का खाना खाकर कुछ देर टेलीविज़न देखकर सो जाते हैं। सभी खिलौने उदास हो जाते हैं। फुटबॉल, उदास होकर, हम इतने दिनों से इस पिटारी में ही बैठे हैं, हमारे साथ कोई नहीं खेलता है, मैं पिचक गई हूँ। सांवरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते रहते हैं, मुझे लेकर पार्क में भी नहीं जाते हैं। लूडो, हमें तो जैसे भूल ही गए हैं, मेरी गोटियाँ भी मुझसे बिछुड़ गई हैं। बैट, ठीक कहते हो भाई, मुझे भी बच्चे हाथ नहीं लगाते। पजल भी आगे आकर बोली, दोस्तों यही हाल रहा तो सांवरी और मनु तो हमें भूल ही जाएंगे, एक दिन हमें रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा। लेकिन यह अच्छा नहीं है, सांवरी और मनु कंप्यूटर के कारण शाम को बाहर खेलने भी नहीं जाते हैं। फुटबॉल, आगे खिसक कर, हमारे साथ खेलें, खुली हवा में भागें दौड़ें तो उनका शरीर भी चुस्त रहेगा। किताब, हमारे ऊपर तो धूल जम गई है। लूडो, घर के अंदर बैठकर कभी कभी हमारे साथ खेलें तो दिमाग की कसरत भी होगी। टेडी बियर एक कोने में बैठा अपने साथियों की बातें सुन रहा था। टेडी बियर, उदास न हो मेरे साथियों, हम दादी माँ के पास चलकर एक सभा करते हैं, वे ही कुछ उपाय बताएंगी। सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं। दादी माँ से अपनी अपनी बात कहते हैं। सबकी बातों से सांवरी और मनु जाग जाते हैं। वे जब सब खिलौनों की बातें सुनते हैं, उनकी समझ में आ जाता है कि ये खिलौने सही कह रहे हैं। सांवरी, हमारे प्यारे दोस्तों, आज से हम आपके साथ भी खेलेंगे, आज रविवार है, चलो बैट बॉल का मैच हो जाए, खाने के बाद दिन में मैं किताबें पढ़ूंगी। मनु, आओ अपने मित्रों को बुलाते हैं, बाहर कितना सुहाना मौसम है, कुछ देर फुटबॉल खेलते हैं, फिर बैठकर पजल बनाएंगे। मनु पंप से फुटबॉल में हवा भरता है, गीत गाता हुआ चल देता है। कंप्यूटर यह देखकर मुस्कुराता है। सब खिलौने खुश हैं।